तहलका न्यूज के सभी दर्शकों को मैं जूली श्रीवास्तव प्रणाम करती हूँ। निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूँ विनय ज्ञान चंद्र। पुलिस लाइन मऊ परिसर में पुलिस अधीक्षक सुशील घुले चंद्रभान की उपस्थिति में शारदा नारायण हॉस्पिटल के द्वारा CPR के बारे में पुलिस लाइन स्टाफ, पुलिसकर्मी एवं रिक्रूट आरक्षियों को जानकारी व प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान शारदा नारायण हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि कठिन परिस्थितियों में घायल व दुर्घटना के शिकार लोगों के प्राथमिक उपचार में उन्हें क्या करना चाहिए। शारदा नारायण हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुजीत सिंह ने बताया कि सर्वप्रथम दुर्घटना स्थल पर हमेशा पुलिसकर्मी की ही गाड़ियाँ पहुँचती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्राथमिक उपचार व CPR की जानकारी इन्हें ही होनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना में घायल मरीज तो हॉस्पिटल बाद में पहुंचता है। अगर घटनास्थल पर पहले प्रशिक्षित पुलिसकर्मी के स्टाफ पहुंच जाते हैं तो कुछ हद तक मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है तथा वहां की स्थितियों में काबू पाया जा सकता है। आगे पुलिस अधीक्षक घुले चंद्रभान द्वारा शारदा नारायण हॉस्पिटल में उनकी टीम को ऐसे सामाजिक कार्य के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम से पुलिसकर्मी को बहुत जरूरी है। यह दूसरों को बचाने के साथ साथ कभी अपने घर में जरूरत पड़ने पर भी यह CPR की जानकारी कारगर सिद्ध होगी और आप दूसरों को नया जीवन देने में सफल होंगे। साथ ही साथ कुशलतापूर्वक फ्रेशर्स कोर्स समाप्त कर चुके UP 112 के 30 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं शुभकामनाएं दी गई तथा जनता के मधुर व्यवहार, अनुशासन इत्यादि पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए अहम जानकारियाँ दी गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स, रिक्रूट आरक्षी व शारदा नारायण हॉस्पिटल के स्टाफ आदि उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, बस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें tahalka.in को। अब जैसे इसमें बताया गया, पहला स्टेप क्या था, कोई व्यक्ति अगर गिर गया तो उसको पूछना है भाई साहब आप ठीक हैं? ठीक है, उसके बाद तुरंत उसकी कैरोटिक फील करनी है, नस को देखना है, उसके बाद जो है आप इमरजेंसी सेवा को कॉल करना है। इमरजेंसी सेवा कॉल करने के बाद आपको घुटने के बल बैठ जाना है, आदमी को हार्ट सर्विस का बिठाया पहले से, सीने लोअर थर्ड पार्ट को सीने को अपनी कोहनी सीधे करते हुए हथेली को इंटरलॉक करते हुए सीधे सीधे दबाना है। कितनी बार दबाना है? 30 बार दबाना है, 2 बार सांस लेना, अभी सांस इसमें हम लोग नहीं लेंगे, दबा के दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये काम 5 बार करना है, 2 मिनट तक करना है, फिर इसको चेक करना है, ठीक है। दो ट्रेनिंग चल रहे हैं, उसमें से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज समापन हो रहा है, जो UP 112 का फ्रेशर ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जा रहा था। ऐसे 30 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं जो पूर्व में ही सर्विस में, और उनको आज 112 का ट्रेनिंग होगा हो रहा है, उनको अभी सर्टिफिकेट भी दिए गए। और दूसरा जो निरंतर ट्रेनिंग उन लोगों का रिक्रूट आरक्षियों का चल रहा है, जिनसे जब इसका शुभारंभ हुआ था तब आप लोगों से मैंने एक इंट्रैक्शन वाला सेशन लिया था और आज उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। दो नो जो ट्रेनिंग है उसमें जितने भी हमारे आरक्षी, एक दो को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर लोग यंग हैं, ज्यादातर लोग जो रिक्रूट आरक्षी है वो सब लगभग एक ही एज ग्रुप के हैं, और बाकी भी जो UP 112 का ट्रेनिंग जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी ज्यादातर पिछले 2 या 3 वर्षों के बैच के। तो इस चीज को देखते हुए आज आप दोनों के ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग में एक एक छोटा सा मॉड्यूल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे विभाग में जो रोज की जीवन शैली है वो नहीं चल रहा है, आप फोन करेंगे, हाँ फोन तो निकालिए, 112 मिला के छोड़ दीजिए स्पीकर, ठीक है। और कोई अगर आसपास आपके उनसे कह दीजिए भाई साहब 112 पे फोन करिए, मैं सीना दबा दूँ, और तुरंत जो है आप कहाँ पे दबाना सीना, हाँ नहीं यहाँ पे नहीं, जैसे 1 2 3 ये तीसरा बार, या ये जो लाइन है और ये लाइन यहाँ पे, हाँ यहाँ, ठीक है, ये दो मेमोरी लाइन है इसके बीच में आपको यहाँ दबाना है, ठीक है। हाँ, अब दाहिने हाथ में नीचे रखिए, हाँ और दोनों दबाइए, हाँ एल्बो सीधे रहेगा, हाँ और आ जाइए सीने के ऊपर, हाँ ये सही पोजीशन है,
और सीधा होकर दबाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. और इसके बाद दो बार सांस लेना, अभी बस जो बाद और इसकी पोजीशन आप जान लीजिए, ये हेड को टिल्ट करना है और चीख को लिफ्ट करना है और नाक को जरूर बंद करना है, इस बात का ध्यान रखना है, नाक को बंद करना है और फिर उसके बाद दो बार सांस लेने के बाद फिर शुरू करना है। आप ही करना सर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 बार रुकना है, उसके बाद हेड को टिल्ट करना है, टिल्ट को लिफ्ट करना है, नाक को दोनों तरफ लेना है, ऐसे करना है, हाँ, उसके बाद मुंह से सांस लेना दो बार, ठीक है, सांस दो बार, दो सेकंड के अंदर ही लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये प्रक्रिया चालू कर दीजिए, पांच बार करना, उसके बाद अगर एक आदमी कोई और हो भी सीखा देना चाहता है तो बदल देना, वो सांस वाले पे चला जाएगा और आप वो सीने में आ जाएगा, आप सांस ले, ऐसे हमको करते रहना, ठीक है, एक बार फिर से आप प्रैक्टिस करिए, शुरू से करिएगा। में ये एक लाइन खींच लीजिए, तो जो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट होता है वहां पे दबाना होता है, और कितना बार दबाना होता है, कितनी बार दबाना होता है, 100 बार, 100 से 120 बार, तो सोचिए कितना ज्यादा मतलब तेजी से दबाना है और हार्ड एंड फास्ट, मतलब हार्ड का मतलब एकदम कड़े से दबाना है और फास्ट तेजी तेजी दबाना है। दबाने में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना अंदर जाएंगे उतने ही हमको बाहर आना है, क्योंकि अगर हम बाहर नहीं आएंगे तो वो पूरा उसमें ब्लड उसमें भरेगा नहीं हार्ट में, जब हार्ट में ब्लड नहीं भरेगा तो वो पंप नहीं हो पाएगा, तो जो पुश करना है वो हार्ड करना है और फास्ट करना है, ठीक है। और पुश करने का क्या तरीका है, आपको ये दाहिना हाथ नीचे रखना है, तो दाहिना हाथ यहां पर होना चाहिए, उसके पाम होनी चाहिए, जो हथेली है वो होनी चाहिए, ठीक है, तो हथेली होगी यहाँ पे। और बहनों, मैं साक्षी सिंह, आपका तहलका न्यूज पे स्वागत है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।